हेलो गाइस, मैं हूँ छवि और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। और आज मैं फिर से एक हेयर मास्क के साथ आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। ये हेयर मास्क ये काम करेगा कि जो जैसे मेरी मैं अपनी ही बात करती हूँ, तो जैसे कि मेरा बाल है, मेरे बाल में शाइन नहीं है उतना, तो मैं महीने में उतना मैं तो उतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, तो मैं महीने में एक बार इस हेयर मास्क को लगाती हूँ। और एक्चुअली इसे वीक में एटलीस्ट एक बार लगाना चाहिए या फिर मंथ में दो बार आप आराम से आप टाइम निकाल, अगर आपके पास टाइम है तो आप निकाल करके लगाइए। ये काम क्या करेगा, जो आपके बालों में जो वो चमक चला गया है, वो बहुत हद तक वो जो चमक लाने में आपके बालों में मतलब आप समझ जाओ यार, वो अभी एक्चुअली वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब बालों में बहुत हद तक ये चमक लेके आता है। और आप जब ये हेयर मास्क आप लगाते हो, तो आपको एटलीस्ट 45 to 1 hour रखना है, उसके ऊपर आप इसको नहीं रखना, 1 hour बहुत होता है। तो उसके बाद जब आप बाल अपने अगर आप धोते हो, तो उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि जो है सो ये हेयर मास्क आपको कैसा लगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक एक्सपीरियंस है इस हेयर मास्क को लेकर के, तो हेयर मास्क लगाने के बाद मेरे बाल जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत मतलब बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं। तो अभी मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं अभी बनाना बताती हूँ कि इसको इसमें लगता क्या है। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि ये है कांदा, जिसे प्याज कहते हैं ऑनियन। तो मैं तकरीबन 2 कांदा को ऊपर का वो ऐसे छिलका को हटा करके और फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली हूँ बारीक। आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको मिक्सर ग्राइंडर ही चाहिए इसको पीसने के लिए, आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है ये अब फिर से मैं बता देती हूँ कि ये 2 कांदा है, 2 प्याज को मैं पीसी हूँ। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है नींबू। मैं क्या की हूँ, आज मैं हाफ नींबू ही ली हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली नींबू घर में खत्म हो गया, तो आप एक नींबू इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास हाफ ही नींबू अवेलेबल था, तो मैं हाफ नींबू ली हूँ, नींबू का रस डाली हूँ। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है योगर्ट, दही कर्ड जिसे कहते हैं, ये है ये तकरीबन 2 स्पून के करीब में मैं ली हूँ। मेरा फोर्थ जो इंग्रेडिएंट है वो है हनी। आप किसी कोई भी अच्छा सा अच्छे ब्रांड का हनी ले सकते हैं, मेरे पास अभी डाबर का अवेलेबल था तो मैं डाबर का ली हूँ। हनी मैं तकरीबन, ये मेरे पास छोटा स्पून है, आप बड़े स्पून से तक एक 1 स्पून हनी ले सकते हो, ये मेरे पास छोटा स्पून है इसलिए मैं 2 स्पून ली हूँ, आपको हनी लेना है। और जो फिफ्थ इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। आपके अगर गार्डन में अगर एलोवेरा का प्लांट हो तो आप फ्रेश एलोवेरा ले सकते हैं। तो मैं फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है, फिफ्थ इंग्रेडिएंट जो है वो है एलोवेरा जेल। ये इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसी ब्रांड का लेना है, आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं अगर आपके गार्डन में एलोवेरा नहीं है तो। फिर आपको इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ऑप्शनल है और ये ऑप्शनल है, आपको सब कुछ लेना है। जिन्हें नींबू सूट नहीं करता, जिन्हें लेमन नहीं सूट करता है, मैं उन सबको बोलूंगी कि जिन्हें बहुत लोगों को स्कैल्प में जो है सो नींबू लगाने से खुजली शुरू हो जाती है, वो नींबू नहीं ले, उसके जगह पे नींबू का काम जो है ये योगर्ट ही कर देगा। सिर्फ जो आप दही लें वो आप तकरीबन 3 से 4 दिन पुराना दही लें। अब मैं जो आज दही ली हूँ, मैं ये भी आपको बता देती हूँ, ये मेरा जो है ये कल का है, मतलब एक दिन पुराना दही है। आप कोशिश करें कि 3 4 दिन पुराना दही ले। इन सबको आपको अच्छे से मिक्स करना है और फिर अपने बालों में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं दिखाती हूँ। एक बात मैं आप सबके साथ और एक बात शेयर कर रही हूँ। मैं जैसे कि डाली थी लास्ट वीडियो में कि मैं जो है सो एक और वीडियो डालूंगी, संडे के दिन मैं लाइव आऊंगी,
लेकिन हो सकता है मैं लाइव नहीं आ पाऊँ, क्योंकि मेरी माँ जो है वो बहुत बीमार है और वो अभी आ रही है, तो अगर उसकी तबीयत सही रही तो मैं लाइव आऊंगी। लाइव आने के पहले मैं 2-3 मिनट के लिए आऊंगी, देखूंगी अगर कोई है तो फिर मैं लाइव कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो फिर नहीं कंटिन्यू करूंगी। लेकिन संडे को लाइव जो मैं लिखी हूँ कि 11:30 आऊंगी, वो कंफर्म नहीं है, वो उसके हेल्थ के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आऊं, लेकिन उसके हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है तो वो मैं देखती हूँ। तो फिर आपको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपको अपने बालों में जो है अच्छे से आपको दो दो पार्ट करना है बालों में, और अच्छे से आपको रूट से लेते हुए यहाँ से अच्छे से आपको लगाना है। पूरा यहाँ पूरे पूरे हेयर में आपको लगाना है अच्छे से। ऐसे ही करके आपको अपने पूरे बालों में लगा लेना है और 45 to 1 आवर के करीब में आपको रखना है। उसके बाद जो भी आप शैम्पू यूज करते हो उस शैम्पू से आपको अपने बाल को अच्छे से धो लेना है। तो आप ये अगर आप करते हो, अगर फर्स्ट टाइम ही अगर आप ये हेयर मास्क अपने हेयर में अप्लाई करते हो और आपको जो भी रिजल्ट आता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये हेयर मास्क कैसा लगा। इससे डैंड्रफ कम होगा क्योंकि योगर्ट है, डैंड्रफ तो कम होगा ही, लेकिन आपके बाल जो है ना, वो जो बहुत सारे जो बाल होते हैं वो एकदम से उलझे उलझे से और अजीब से रुखरे रुखरे होते हैं, तो उन सब में इस हेयर मास्क से उसमें बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। तो आपके बाल जो है बहुत सॉफ्ट आपको फील होगा कि आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो गए। तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपको कुछ अगर बुरा लगा हो या आपको ये अगर सूट नहीं करे तो भी वो मेरे साथ शेयर जरूर करें। जो भी आपकी जो फीलिंग है वो मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो आज का मैं अपना वीडियो यहाँ पे ही खत्म करती हूँ, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।